ब्रजेश दीक्षित के ब्रजेश दीक्षित अजीतवन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक हम फिर नया एक्सपेरिमेंट लेकर आपके बीच उपस्थित हैं। एक्सपेरिमेंट लेंज लॉ को किस तरह समझा जाए, इसके लिए मैंने यह एक उपकरण बनाया है जिसमें तीन पाइप लगे हुए हैं। पहला पाइप सफ़ेद रंग का एल्युमिनियम का पाइप है, दूसरा पाइप हरे रंग का प्लास्टिक का पाइप है और तीसरा पाइप यह कॉपर अर्थात तांबे का पाइप है। यह पाइप लगभग समान बोर के हैं जिनमें समान आकार के छिद्र बने हुए हैं। अब इन पाइपों में यदि हम किसी सिलेंड्रिकल अर्थात बेलनाकार तेज मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने वाली नियोडायनेमिक मैग्नेट को इन पाइपों से गुजारेंगे। चूंकि मैग्नेटिक फील्ड के अनुसार धातुएं तीन प्रकार की होती हैं, मैग्नेटिक नंबर एक, नंबर दो नॉन मैग्नेटिक अर्थात प्लास्टिक का पाइप और नंबर तीन डाई मैग्नेटिक अर्थात कॉपर तथा अल्मोनियम का पाइप। मैग्नेटिक फील्ड में से इंट्रैक्ट होने वाली आकर्षित होने वाली केवल एक ही धातु है, वह है लोहा। अल्मोनियम तथा कॉपर यह दोनों डाई मैग्नेटिक धातुएं हैं जिनमें थोड़ा सा मैग्नेटिज्म पाया जाता है, अर्थात यह मैग्नेट के प्रभाव से एक ऑपोजिट फील्ड डेवलप करती हैं। अब मैं सबसे पहले इस मैग्नेट को इस प्लास्टिक के नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के बने हुए पाइप में डालेंगे और यह अति शीघ्र ऊपर से नीचे पहुंच जाएगा। अगर आप इसका टाइम नोट कर सकें तो अब मैं इसको पुनः डाल रहा हूं और यह तुरंत नीचे पहुंच रही है। इस पर इस मैग्नेट का इस पाइप पर या इस पाइप का इस मैग्नेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब मैं इसको एल्युमिनियम के पाइप में डाल रहा हूं। अब आप इसका टाइम नोट करिए। अर्थात इसने उस नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के प्लास्टिक के पाइप से बहुत अधिक समय लिया। इसी प्रकार इस तांबे के पाइप में इसको डालने पर यह उतना ही समय लेती है जितना समय एल्युमिनियम के पाइप में लिया था। अर्थात जब यह मैग्नेट इस पाइप में से होकर गुजरती है तो इसकी प्रत्येक mm की रिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है जो इस मैग्नेट का विरोध करता है। अर्थात मैग्नेट इज थ्रो द पाइप चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड करंट इन द पाइप। बाय द लेंज लॉ दीज करंट्स फ्लो इन सच ए डायरेक्शन एज अपोज द चेंज प्रोड्यूसिंग देम। फिर से देखिए, प्लास्टिक के पाइप में हम इसको डाल रहे हैं और ये
तत्काल नीचे पहुंच रही है। इसी प्रकार जब हम इसको एल्युमिनियम पाइप में डालते हैं तो यह टाइम टेकिंग अर्थात बहुत समय लेती है। इसी प्रकार जब हम इस मैग्नेट को तांबे के पाइप में डालते हैं तो इसकी भी प्रत्येक एमएम की रिंग एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है जो इस मैग्नेट का गिरने में विरोध करती है। यही लेंज लॉ है कि जो करंट जनरेट होता है उसका वहीं पर विरोध उत्पन्न होता है। धन्यवाद।